देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज़, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज़। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद में मोहन मार्केट में। मोहन मार्केट के चेयरमैन मनमेंद्र पाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं इस कोविड-19 को लेकर और व्यापारियों की क्या क्या सुविधा मुहैया हुई है इनको लेकर। सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे। थैंक यू। ये जो कोविड-19 जैसी घातक महामारी दोबारा उभर के आ रही है, जैसे देखा जाए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लॉकडाउन लगाया गया था, उसी के तहत एक साल ये पूरा हो चुका है और फिर कहीं ना कहीं कोविड-19 के पांव पसारते हुए नजर आ रही हैं। अन्य अन्य प्रदेशों में देखा जाए कहीं ना कहीं लॉकडाउन भी लगाया गया है, कर्फ्यू भी लगाया गया, तो इसको लेकर आप क्या कहें? अब कोविड तो सभी के लिए आ रहा है और ये दूसरी लहर है जो बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है, बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं। हम लोगों ने मार्केट में काफ़ी इसके इंतज़ाम भी किए हैं। यहाँ पे आने वाले कस्टमर्स को हम मास्क की सलाह देते हैं। अब मैं तो यहाँ मार्केट में दुकान में अपनी नीचे बैठा हूँ, अकेला हूँ, इस वजह से थोड़ा मास्क से परहेज है। नहीं तो हम ग्राहक के अगर रूबरू होते हैं तो हम लोग भी मास्क लगा के और बाकायदा सैनिटाइज करके और सबका टेम्परेचर लेके टेलीफोन नंबर नोट करते हैं और सब कुछ काम कर रहे हैं ताकि हमें फिर से वो लॉकडाउन से ना गुजरना पड़े जो एक साल पहले हम गुजरे हैं। बहुत ही खराब स्थिति थी और उस समय किसी तरह हम लोगों ने संभाल लिया, लेकिन आगे अगर स्थिति इस तरह की बनती है तो बहुत खराब हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए वैक्सीन आने के बाद भी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन उनको भी कोविड हो जा रहा है आखिर तक। अब ये कह नहीं सकते वैक्सीन की कितनी वो है, लेकिन वैक्सीन तो लगवाना चाहिए। अब जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है तो लगवाना चाहिए उसको। अब फिर भी हो रहा है, मेरे अपने घर में मेरे अपने कजन के यहाँ हुआ है भाई, उनको वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो अब इसकी क्या विश्वसनीयता है, ये तो गवर्नमेंट या डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। अच्छा, इस कोविड-19 में अगर मान लीजिए कि एक लहर आ गई, दोबारा आ गई और लॉकडाउन लग गया, तो गरीब जो गरीब लोग हैं जो ठेला लगा रहे हैं, अपनी दुकान पर नौकरियां कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए क्या? देखिए, मैं सच बताऊं आपको तो गवर्नमेंट ने हर चीज को जैसे नेट बैंकिंग से बैंक से कर दिया है, हर चीज ऑनलाइन हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो कैश की इकोनॉमी पे जिंदा थी, जो आज हम सर्वाइव कर गए हैं और आज हम आपके सामने खड़े हैं। अगर ये लहर दोबारा आती है तो दुकानदार भी जाएगा और दुकानदार के यहाँ काम करने वाला नॉर्मल वर्कर भी खत्म हो जाएगा बिल्कुल एकदम। ये एक सवाल और है, जो मुख्यमंत्री के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस मुख्यमंत्री में आपको क्या नया काम देखने को मिला, क्या नई चीजें देखने को मिली? देखिए, मुख्यमंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं और हम लोग सबके प्रिय हैं। बस ये है कि अब हम ये चाहते हैं कि कम से कम लॉकडाउन की स्थिति ना लगाएं वो, और हम लोग उनकी सब बातों का पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम लोग को इस भाई सोशल डिस्टेंसिंग और हर चीज़ का पालन करना चाहिए, तो हम बाकायदा उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। हम कहीं से भी उल्लंघन नहीं होने देंगे, हम लोग अपनी सोसाइटी में भी इसको लागू करेंगे, पूरा लागू कर रहे हैं। 2022 में किसको जिताना चाह रहे हैं आप? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे कि और भी कोई आएगा? जी, अब हम बिजनेस कम्युनिटी तो हमेशा बीजेपी की प्रिय रही है, लेकिन फिर भी अब देखिए क्या होता है। अभी तो लोगों का मन है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब इसमें मेरे अकेले वोट का क्या है, मैं तो बिजनेस कम्युनिटी से हूँ, देखिए तो बाकी लोगों का मन है क्या करते हैं। ये हमारे साथ मोहन मार्केट के चेयरमैन थे जिससे खास बातचीत हुई। कैमरा पर्सन। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। अपने सुझाव कमेंट में देते रहिए। देखते रहिए केपीपीएन न्यूज।